हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कतला फिश से कालिया। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कतला फिश ले लिया है। अब इसमें हल्दी पाउडर और नमक मिला के इसको फ्राई करना होगा। ये मिक्सर जार में मैंने लिया है टमाटर, लहसुन, ग्रीन चिली, अदरक और इसमें जीरा डालेंगे, डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे। ये ही मैं इस फिश में यूज करूंगी, ये मसाले। फिश कलिया मैं फिश को फ्राई करके करूंगी, इसलिए फिश में डालती हूँ नमक और डालती हूँ हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारे फिश को अच्छे से मिक्स कर लिया है नमक और हल्दी से। चलो अब इसे फ्राई करने चलते हैं। फ्राइंग पैन गरम हो गया है, अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। थोड़ा सा ज्यादा ऑयल डालना होगा फिश फ्राई करने के लिए। ऑयल गरम हो फिर इसमें फिश को डालूंगी। ऑयल से धुआं निकल रही है, ऑयल गरम हो गया है। चलो इसमें एक एक करके फिश को डालते हैं। एक साइड हो गया है, अब मैं दूसरे साइड उलट देती हूँ। फिश फ्राई हो गया है, अब इसे उठा लेती हूँ। इसी प्रोसेस में सारे फिश मैं फ्राई कर लूंगी। फिश तो मेरी फ्राई हो गया है, अब चलो नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब इसी ऑयल में मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा और डालूंगी एक तेज पत्ते। अब इस ऑयल में मैं प्याज डालूंगी, प्याज को अच्छे से फ्राई करूंगी, फिर इसमें एक करके सारा मसाला डालूंगी। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हो प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती है, रेसिपी पे एक लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। इसमें मैं डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, डालूंगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। कतला फिश कालिया में आपको प्याज को अच्छे से फ्राई करना होता है और इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्याज यूज होता है। प्याज मेरी फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें पेस्ट किया हुआ मसाला डालूंगी। सारा पेस्ट किया हुआ मसाला मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें यूज करूंगी कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इसको अच्छे से पकाना है। पकाने के टाइम में ही स्वाद के लिए, स्वाद बैलेंस हो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर डालती हूँ। अब इसमें फिश को डाल के थोड़ा सा पकाऊंगी। फ्रेंड्स, ये रही मेरी कतला फिश से कालिया रेसिपी। अगर आपको पसंद हो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।